पैसा कमाना जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को कम उम्र से ही पैसों का महत्व और उनके जीवन की दिशा तय करने के बारे में बताया जाता है। कुछ बच्चों का सपना नौकरी में बड़े पद तक पहुंचने का होता है तो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जहां पे हम आपको कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताते हैं जिससे कि आप अपनी जिंदगी और भी सरल बना सकते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कुंडली में ऐसा क्या चीज है जो पहले आप देख ले अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। व्यापार योग देखने के लिए जन्म कुंडली में बुध की स्थिति, दशम भाव यानी कर्म स्थान और एकादशी यानी आय स्थान का अध्ययन किया जाना चाहिए। दशम स्थान में जो ग्रह स्थित हो उसके गुण स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का व्यवसाय होता है। आइए हम आपको बताएंगे दशम भाव में ग्रहों के अनुसार क्या स्थिति बनती है। यदि दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो जो ग्रह सबसे बलवान होता है उसके अनुसार व्यक्ति का व्यापार होता है। जैसे दशम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी आदि का बिजनेस करता है। यदि दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो दशमेश यानी दशम भाव के स्वामी के अनुसार बिजनेस तय होता है। यदि दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी, निवेश आदि के कार्यों से लाभ अर्जित करता है। दशम भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ होता है उनके अनुसार व्यक्ति व्यापार करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ता है। सूर्य के साथ जो ग्रह स्थित हो वो भी व्यवसाय पर असर दिखाता है। जैसे सूर्य के साथ गुरु हो तो व्यक्ति होटल व्यवसाय, अनाज आदि के कार्य से लाभ कमाता है। एकादश भाव आय स्थान है। इस भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यापार तय किया जाता है। अब हम आपको सप्तम भाव साझेदारी के बारे में बताएंगे। सप्तम भाव साझेदारी का होता है। इसमें मित्र ग्रह हो तो पार्टनरशिप से लाभ होता है, शत्रु ग्रह हो तो पार्टनरशिप से नुकसान होता है। मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु होते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु ये आपस में मित्र होते हैं। यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में शुभ योग तो होना ही चाहिए, साथ ही कुछ उपाय करके भी आप अपने व्यापार व्यवसाय में तरक्की पा सकते हैं। व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है। बुध को मजबूत करना चाहिए, इसके लिए भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करें। प्रत्येक बुधवार गणेश जी को 108 दुर्वा और बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिनको आप ध्यान में अवश्य ही रखिएगा। बुध यंत्र अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी धूप दीप करें। श्री यंत्र की पूजा सर्व सुख संपन्नता प्रदान करती है। जन्म कुंडली दिखाकर यदि ठीक हो तो पन्ना धारण किया जा सकता है। मेहनत से कभी पीछे ना हटें। दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखकर आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और भी ऐसे अनोखे टोटकों के बारे में जानने के लिए देखते रहें महाशक्तिशाली टोटके हैं।